हाय दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम लोग आपको दिखाने वाले हैं लतीफ़ साहब टाइम के बारे में। ये देखिए कुछ व्यू वहाँ के, ये वीडियो में काफ़ी कुछ है। दोस्तों हम लोग सीढ़ी के द्वारा आ चुके हैं ऊपर की तरफ, डैम के ऊपर की तरफ, और जाते समय लोग नीचे से जाएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ। यहाँ से पानी गिरता है दोस्तों, लेकिन इस समय बरसात नहीं है, इसलिए पानी पीछे है डैम के और उसके ऊपर से जा सकते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितना खतरनाक व्यू है यहाँ से, कितना खतरनाक लग दिख रहा है डैम के ऊपर से। दोस्तों अगर बरसात होता है या भरी होती नदी तो इसके ऊपर से पानी जाता। दोस्तों इस नदी का नाम है कर्मनाशा नदी। दोस्तों नदी के पानी में आप देख सकते हैं मानव सभ्यता के कारण ये कितनी दूषित हो चुकी है, प्लास्टिक के बोतल पड़े हुए हैं इसमें। हाँ, वीडियो बना ला लतीफ साहब के नाम से मारा पोस्ट। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं इस बांध से होते हुए उस पार, काफ़ी खतरनाक है। इस तरफ भी पानी भरा है, उस तरफ बहुत गहरा है। चलते हैं आगे की तरफ। अब सूरज को देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं दिन के कितने बजे हैं। कमेंट में ज़रूर बताएं कितना समय हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हैं दूसरी तरफ कितना गाड़ी वहाँ। अभी हम लोग वहाँ से ही नीचे जाएंगे। दोस्तों आगे आप पीले शर्ट वाले को देख सकते हैं, कहाँ खड़ा होकर फ़ोटो क्लिक करवा रहा है। आप ऐसा बिल्कुल न करें, इनका फ़ोटो खींचते खींचते रिकॉर्डिंग हो गया। दोस्तों इस तरह के खतरनाक जगहों पर आप रिस्क बिल्कुल न लें, क्योंकि छोटी सी भी असावधानी आपको बड़े परेशानी में ही डाल सकती है। जितना है यह है बिस्कुट खा ले कई जने हमने अच्छा पता नहीं चल रहा जैसे ना कई ठे तैराक हुआ तेजु खाओ बन के पूछी हाँ गहराई का अंदाजा नहीं मिला कितना है। दोस्तों बच्चे खेलते हुए किनारे पे भी जा रहे हैं, इसलिए उनको महिलाएं पकड़ रही हैं, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए। इस पे चलते समय आप पूरी तरह सावधानी बरतें दोस्तों। दोस्तों सामने की तरफ आप पहाड़ देख सकते हैं, जो कि किसको बहुत ही खूबसूरत बनाता है इस क्षेत्र एरिया को। अब हम लोग धीरे धीरे उस पार जा रहे हैं। दोस्तों हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे गंदगी अब तो नदी में देख ही चुके हैं, लेकिन पहाड़ों और प्राकृतिक स्थानों से घिरे होने के कारण ये काफ़ी ही दर्शनीय स्थान है। यह लतीफ़ साहब बांध जिला चंदौली में चकियाँ से कुछ दूरी पर पड़ता है। ये इसका एड्रेस है दोस्तों। दोस्तों हम लोग चलते हुए आ चुके हैं इस तरफ बांध के, इस तरफ ही दोस्तों एक मस्जिद है जिसके नाम पे इस बांध का नाम लतीफ शाह डैम पड़ा है। दोस्तों ये बांध से नहर निकालने के लिए गेट बने हैं, जो कि बहुत गंदा है। दोस्तों आप नहर वाले गेट के पास गंदगी देख सकते हैं, नहर निकालिए के सिंचाई के लिए बना है। दोस्तों ये देखिए इधर से व्यू। दोस्तों हम लोग पूरी तरह से इस तरफ आ चुके हैं, इस तरफ का देख लीजिए, इस तरफ से ऐसे दिखता है बांध। अभी हम लोग नीचे की तरफ इसी सीढ़ी से होके जाएंगे। दोस्तों जैसा कि हमने कहा था कि हम लोग नीचे से उस तरफ भी जाएंगे, तो हम लोग आ चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ कितनी गंदगी है, इतनी ज़्यादा गंदगी आप कभी देखे होंगे वो है प्राकृतिक स्थानों में। जबकि इसी तरफ दोस्तों मस्जिद है जिसके नाम पर इस डैम का नाम लतीफ़ शाह डैम पड़ा है। आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है, यह मानव सभ्यता को दर्शाता है।
कर देता कौन मिल जाता ओकर पार्ट ना धीरे धीरे भर के। अगर दोस्तों प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करके बाकी कूड़े को अगर इस गड्ढे में ही डाला जाता तो भी ये गड्ढा भर जाता। दोस्तों हम लोग उस तरफ से नीचे की तरफ आ चुके हैं, नीचे आ चुके हैं, यहाँ पे स्लोप काफ़ी है देख सकते हैं आप, और वहाँ पे जो सामने दिख रहा है वही बांध है जिस पर से हम लोग ऊपर से होते हुए आए हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर करिएगा ही, कमेंट में आप बताइए कि कितने बज रहे हैं दिन के सूरज को देखते हुए, और इसको चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अगर दोस्तों आप फेसबुक पर देख रहे हैं इस वीडियो को तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिए। दोस्तों वो देख सकते हैं आप वो गाड़ी जो कि ऊपर से कितनी छोटी दिख रही थी, हम लोग उसके पास अब आ चुके हैं नीचे की तरफ। दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कितनी गंदगी है, वैसे ये खूबसूरत सा जगह है, प्राकृतिक जगह है, लेकिन इसको भी गंदा करके रखा गया है। दोस्तों हम लोग एकदम नीचे आ चुके हैं, आप सामने वो डैम देख रहे हैं, देख सकते हैं हम लोग कितने नीचे आ चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लतीफ़ सा डैम के बारे में ये रही वीडियो।